सेल्फी विथ माँ यमुना के तहत फोटो लिया जा रहा है। सेल्फी विथ माँ यमुना। सब देखो आ जाओ लाइन से, नहीं तो फिर फोटो वोटो कट जाएगा, फिर मत बोलना काट दे। सेल्फी विथ माँ यमुना। छाता ले ऊपर से सबकी। एरियल व्यू है। ये पीपल देखिए वो अपने आप निकल रहा है, ऊपर से पहुंचने वाला है। पीपल नहीं कर। अब आप सेल्फी ले लो जी। और एकदम हम माँ यमुना के किनारे। अरे सेल्फी ले रहे थे ये भी रिजाइन दे दिए नीचे के लिए। ऐसा मैं जॉबलेस बैठा हुआ था, उसका ध्यान नहीं जॉबलेस हो गया, छोड़ दी ये माँ यमुना की सेवा के लिए। और ये भी शामिल हो गए राजीव जी के साथ। चलिए आप पास से, थोड़ा दूर से पता नहीं चलता। और माँ यमुना दिल्ली का आप दर्शन कर लीजिए अपने घरों में बैठ के सुबह सुबह। और कागज से आप लोग कृपया यमुना माँ में आरती करें, प्लास्टिक की चीजें ना डालें। और ये सारी ग्रीनरी हमारा करने का, यमुना किनारे सुंदर बनाने का, कि ये फिर आप थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेक के बाद आ गए लाइव। और ये पूजा हो रही है, शनिवार है, शनि महाराज की। शनि भगवान सबको सब बुद्धि दे, माँ यमुना को साफ रखें। और ये बाढ़ हमारे लगते जा रहे हैं इस सीढ़ी के किनारे। आप कभी आए माँ यमुना किनारे? और ये सारे हमारे यमुना माँ के वॉलंटियर सेल्फी विथ माँ यमुना काम कर रहे हैं। और जया जी रामप्रस्थ सोसाइटी से आई हुई हैं, ट्रेसी हमारी गाजियाबाद से आई हुई है। और राजीव जी ये खेती कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और सारे प्लांट लग गए हैं। अब आप आएंगे माँ यमुना किनारे, हरियाली आपको दिखेगी, आप बैठ सकते हो। यहाँ गेंदे के फूल भी, छोटे छोटे जो फूल लोग चढ़ाएं अगर इस मिट्टी में डालें तो कई सारे। अब छठ में आएंगे हम लोग, यहाँ डंडे लेके खड़े रहेंगे, कोई पेड़ पौधे उखाड़े नहीं, पहरेदारी करनी पड़ेगी पहले ही आके। और सारी मीडिया सारी न्यूज़ यहाँ यमुना किनारे आती है छठ पे, और छठ की फ़ोटो पूरी ऑल इंडिया देखती है दिल्ली का। और देखिए कितना सुंदर, कितना, कभी आप ऐसा साफ़ यमुना माँ को नहीं देखे होंगे। बरसातों में हो जाती है, और वैसे काला आज बदबू नहीं आ रही है यमुना से, क्योंकि नदी का प्रवाह सीधे बह रहा है। और आज वृक्षारोपण नहीं, पौधारोपण हो रहा है, छोटे छोटे प्लांट्स बाड़ बनाए जा रहे हैं।
कि आप लोग आंखों से ग्रीनरी देखो। वही ऐसे छोटा पेड़ कहते हैं ना, लगा देता वो, वैसे उसकी भी बन जाती है मधुकामनी की बाढ़। हाँ, ये वाला जल्दी ग्रोथ कर जाएगा ना। अरे वो भी करता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि आदमी कहता क्या महक रहा है। पूरे सारे बाढ़ अब दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे मोहित रेलन जी आ गए हैं लेट हुए लेकिन और आप लोग भी आसपास जो आपकी गंगा नदी हो, सरयू नदी हो और जो भी नदी हो उसको साफ करिए और शाम किनारों पर पेड़ लगाइए और प्लास्टिक पॉलीथीन बैन कीजिए और उसको वहाँ पे मत लगाइए। और साक्षात हमारे शिव भगवान बैठे हुए हैं माँ यमुना किनारे। सब बुद्धि दे लोगों को कि यमुना माँ को जल्दी साफ करके इसको सुंदर बनाए और एक पर्यटन हो सके, लोग आके घूम सके अपने बच्चों के साथ। भाई मैं आधे घंटे से ऊपर हो गया है, मैं वहाँ वहाँ पूरा घूम फिर के, इसीलिए तो लाइव चला देते हैं कहीं भी हो देख ले आदमी चले। नहीं तो मेरे को था कि बारिश हो रही है, देख सकते हैं, मैंने भी फोन नहीं निकाला। और वॉलंटियर की जरूरत है, ज्यादा पौधे हैं ये बाढ़ तो अगले बार आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ जाना और मदद कर देना क्योंकि बहुत पौधे लगाने हैं यहाँ पे। और इस पे हम लोग अगर मधुमालती चढ़ा देते हैं तो पूरा बांस ग्रीन हो जाएगा। लगा देंगे मधुमालती। ये दो तीन चीज़ लेते आना चाहिए ना, एक ही ये लोग बाढ़ बाढ़ लेते आए, मैं तो बहुत नहीं पसंद करता हूँ इसको। अब इतना पैसे उसमें दो तीन आइटम आ जाते हैं की बेल होगी है ना, बेल होगी मनी प्लांट जैसे टाइप हो गया। फूल वाले भी बहुत अच्छे लगेंगे, बोगनविलिया भी लगा दीजिए। हाँ बोगनविलिया बहुत स्ट्रांग है, बोगनविलिया कलर कलर के लग जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और ले मूली चढ़ाने आए लोग, क्या पता मूली चढ़ाने से कोई ग्रह दशा दूर हो जाए। पंडित जी ने कहा है कि यही पंडित जी भी हम लोग हमारे अनोखे हैं, कहना चाहिए कि पेड़ चढ़ाइए यमुना में जाके, पेड़ चढ़ाइए पन्नी पॉलीथीन नहीं। और देखिए तुलसी लगी है, तुलसी भी लगाना चाहिए था, इन पे फूल खिल गई है और इसके बीज गिरेंगे तो बड़ा ज्यादा नहीं होता है, झाड़ी होती है, बरसात में ही बड़ा हो जाएगा बस, फिर जाड़े में सो जाता है, ग्रीन नहीं होगा फिर, जैसे धूप में भी सूख गया और फिर जैसे बारिश में फिर हरा हो जाएगा। इसकी जगह ना और बेल वाली मधुमालती होती है, पूरे इस पे चढ़ जाती है, लाल लाल फूल खुशबू के साथ इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बताया नहीं। राजीव ने पूछा नहीं, डिस्कस में गया नहीं। राजीव तुमने अध्यक्ष से डिस्कस नहीं किया, ये बोल रहा है वो लगाते हैं हम मधुमालती, काफी टाइम लगेगा मधुमालती बढ़ने में, आपको बहुत टाइम लगेगा। अरे वो एक महीने में जंगल बना देती मैंने पूरे गमले में, देखिए बीच में कहीं कहीं वो भी लगा देंगे। ये हमारा मधुमालती से ज्यादा स्ट्रांग इसलिए मैंने इसको किया, और हमारा जो था कि वो फूल खिंचता ना, फूल खुशबू देता है, काम के लिए पूजा पाठ यहाँ होते, फूल तोड़ तोड़ के लोग चलो लग जाएंगे ना। हाँ बीच वाले में एक और बना, इतने में तो दो लग जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, नीचे नहीं करना अब उसके लिए ना, तो सस्ता करना
पीछे नहीं करना, दो लाइन सही मिलेगा। इतना लगा दिया ना तो सस्ता लगा लेता और दो चार फूल उससे और ले लेते तो एक ही बार में थोक में ले लेते। आ जाइए सब लोग, थोड़ा सा काम है। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। देखिए पॉलिथीन यहाँ पड़ा हुआ है, पॉलिथीन मत डाले। इसके बगल नीम निकल रहा है, नीम तो बहुत उठा बहुत है बहुत। ये नीम है ना, इसी से ये पॉलिथीन के काम ले लेंगे कुछ डाल देंगे। ये नीम का पेड़, एक नीम है इससे कई पेड़ हो रहे हैं, इसीलिए नीम का पेड़ अच्छा पेड़ होता है। और एक गूलर का पेड़ है, अभी भी उस पर गूलर लगे हुए हैं और चिड़ियों के लिए। हाँ बढ़िया है, गमले में अभी हम लोग बीज डाले हैं ना उसको देखेंगे। और गूलर देखिए हमेशा इस पर फल लगा रहता है, पक्षियों का अच्छा फल है और खा के फेंकेंगे, खा के बीट करेंगे तो काफ़ी गूलर हो जाएगा। और हमारे शनि महाराज पीपल के नीचे बैठे हैं। और पहला कदम हमने लगाया था शुरू में, ऊपर से गाय खींच ले गई, फिर भी ये हरा निकल आया। और यहाँ कौओं की पार्टी होती है, लोग यमुना किनारे रोटी डालते हैं तो कौवे और चिड़िया। देखो नीम कितना जमा हुआ है। नीचे वाला, हाँ नीचे मना कर रहे हैं, नीचे नहीं कह रहे हैं, ऊपर लग गया नीचे, फिर बाद में देखते हैं। वहाँ पेड़ और लगा देंगे, साफ कर लें, पेड़ लगा दें, पथरीली जगह है ना बहुत, इसमें पत्थर ही पत्थर। नीचे कोने तक आ गया पत्थर, सब पत्थरीली, मतलब हमने पहले आके ये जब लगाया था ना बड़े मुश्किल से लगाया था कदम, जो पहली बार यही हमने कदम लगाए थे, एक वहाँ एक सूख गया। और आज शनिवार है, दुकानें सजी हुई हैं, शनिवार का तेल फूल चढ़ रहा है। ये फूल लेके ना अगर छीट दे आदमी इसके नीचे, इस समय इधर आप बोगनविलिया चार पांच कलर का लगाएंगे, पीला सफेद इसी किनारे किनारे पे। बोगनविलिया बहुत हार्ड प्लांट है, मतलब कितना भी धूप पड़े सूखता नहीं है। बड़ा रहेगा ना, वो तो ट्री की तरह ज्यादा जाएगा। नहीं उस कटिंग करके कैसे भी रखो आप, उसको बोनसाई बना दो। काटो नहीं ना, तो बोनसाई क्यों बना के, पेड़ों को हमेशा खुला छोड़ो। पेड़ नहीं होता, बेल होती है, तो बेल को छांटना पड़ता है। सेमल वही तो है, अभी अगले कदम भी आ जाएगा, हरा है अभी, मैंने उसको अभी वो सोया हुआ है, जैसे नए लगाते हैं एक ही बार जब पत्ते निकलेंगे ना वो लग रहा है। ये जब हेल्थ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर यहाँ जहाँ जरूरत होगा फिर बोगनविलिया। हाँ फूल उल तो भी है टाइम, लेकिन यही बरसात का मौसम, एक महीना जितना करना कर लें, इसके बाद तो फिर ठंड आते ही सब पौधे सो जाएंगे सारा, कोई फिर गर्मी में बसंत ऋतु में खिले। अरे बड़ा जल्दी बड़ा आया, पानी छोड़ा है, ऐसे बारिश होता रहा तो छोड़ देंगे तो पहुंच जाएगा हमारे पेड़ों तक। सेमल वमल कोई दिक्कत नहीं है, बड़े पेड़ों कोई दिक्कत नहीं है। पानी में कोई चीज़ भी पेड़ डूबे ना तो उसका थोड़ा भी चीज़ बाहर होना चाहिए ऊपर, तो पेड़ बच जाता है, सड़ता नहीं है। अगर पूरा डूब जाता है पेड़ तो सड़ जाता है। ये पत्ते कितने तोड़े हैं? मैंने नीचे तोड़े। अच्छा नीचे वाले तोड़े, ऊपर का जैसे जल्दी ग्रो हो जाए। हाँ। तो सारी एनर्जी नीचे ही ले रहा था। बैटरी का वो बनाएंगे कि वहीं पे आगे करके
देखो तिल उस पे लग भी गया, तिल लग गया, तिल है, तिल है ना जो चढ़ाते हैं लोग, कितना सुंदर फूल होकर है वो, तिल है, तिल के लड्डू जो खाते हैं। हाँ तिल देखो फूल लगा हुआ, सुंदर हुआ है, कितना खिला है, तिल भी ला के छीट देना ऐसे, इतना फूल सुंदर इसका होता है, गांव में खेती होती है इसकी। तो पूजा वूजा लोग किए हैं तो तिल फेंके हैं, तिल जम गया है, ये सब तिल है जमे हुए हैं ना सब, इसी टाइम खेती होती है। नेचर तो कहती है बस मिट्टी दे दो हमें, बारिश से सब जम जाते हैं। कितने लाए थे? 2000 लाए थे। अभी बस यही बचे, बस यही सारा काफी तो पी लिया, आधा बचे हुए थे सर। अरे बच जाए इसी बीच बीच में भी लगा दो, हरा रहा कुछ आंखों को दिखेगा तो फूल लगाएंगे ना। ना तो हरा है, और हरा नहीं, नहीं घास मत कटवाइएगा, घास कटेगा तो छोटे पौधे जो अपने आप हम चल के वो वाला गड्ढा खोल लेते हैं ना। हां गड्ढा तो खोल देते हैं पर ये समिति के आगे। हां ये ले आ, संभाल उठा लो और हो जाएगा बस। ये जो है ना इस वाले, ये वाला फर्श है ना, ये जो है कहां पे लगाना? ये तो उधर क्या है ना, राजीव तो उधर रोड पे ना, रोड के साइड में ना, ये किस साइड है? हां रोड के साइड भी लगाना है। मैं कह रहा पहले इसको कर लेते हैं, ये आगे इतना बैठने की जगह हो जाएगी। राजीव हां ये लोग कर लेंगे, तुम लोग आ जाओ। हाँ इनको दे दो एक बार, एक लग के ना ये लोग खत्म ही कर दें। खत्म ही कर दो, आज बारिश हो रही है, अच्छा अगर सारे आज लग गए ना तो सही है, नहीं तो धूप टाइट होगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आइए सुखबीर जी आप आइए। तुल भाई को नीम वाला निकाल लाना जीगा ना, ओके लीजिए। खेती का है और बीमार हो देखो, और देखिए दिल्ली का नज़ारा सुंदर, बारिश में जम जम जम। सावन तो खत्म हो गया, अब जन्माष्टमी में बारिश नहीं आ रही है। जन्माष्टमी का प्रोग्राम है आप करेंगे? यहाँ जन्माष्टमी आ रहा है तो यहीं आएंगे, यमुना किनारे, कृष्ण भगवान यमुना में ही पार किए थे। अब इधर हेज की क्या जरूरत, इधर तो वैसे गिर रही है, फालतू के हेज में पैसे लगा दिए, चार पांच प्लांट और आ जागे होते। क्या होना इसमें तो ना बीज होता है ना फल होता है, साला ये तो शहर के चोचले हैं। ये बढ़िया यहाँ ही है, माइक लगा के रॉक स्टार। यही जया जी आपको लाना चाहिए तब अपना साउंड माइक। हाँ यहाँ पे आराम से बोलना चाहिए। कितने में लिया था? हम भी लेंगे वो 8000 में था वो साउंड माइक। तो बेल लगा भी है इस पे, सावन में बहुत इसकी जरूरत होगी। 1 2 3 यहाँ ट्रिगर लगाना है कदम पे, 4 5 6 7 8 ये कदम लगे थे हमारे। ये तो क्या यहाँ देखिए सेमल निकल रहा है पीछे से, बाढ़ चल जाएगा, बाढ़ चल जाएगा इसको तो ऊपर ही हल्का सा। अरे बाढ़ है मजबूत चीज है, इसको बस हल्की सी मिट्टी मिलनी चाहिए। डिवाइडर पे देखते हो पानी भी नहीं मिलता इसको। नहीं नहीं आगे की खास होता भाई, मैं ये बूटी हटा रहा हूँ जो जंगली है। बूटी छोड़ दो, वो भी ऑक्सीजन दे रही है। सारे इस समय ये कीकर हो रहा है, कीकर उखाड़ दो बबूल पीछे। और एक कचनार का पेड़ है, लाल कचनार, इसके बीज से अपने आप कई पेड़ बन जाते हैं। और इसमें काफ़ी मोर हैं, आज मोरों की आवाज़ नहीं आ रही, नाच रहे होंगे बारिश में। पिछली बार आए थे हम लोगों ने, आज हम लोग नाच रहे हैं। और थकान नहीं हो रही है, ये गमला किसी ने वहाँ फेंका है क्या? वहाँ ये सहतूत है,
लगी तो बोलनी पड़ेगी। क्यों? दाली सही होगा। नहीं नहीं वो ज्यादा ठीक है, बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ की जड़ ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती, गहरा नहीं जा रहा, बाढ़ लग जाती है। ये लगा है ना यहाँ तो प्रोग्राम होता होगा तो पैर से कुचल भी दे लो। अरे यहाँ गाय खा लेंगी, जहाँ पे वो ढका हुआ था ना वही सही था, यहाँ गाय खा जाएंगी बाहर लगेगा तो। गाय नहीं खाती, ये गाय नहीं खाती, ये वाली गाय नहीं खाएगी। गोल्डन तो रंता होती है तो खा लेती हो। हाँ गोल्डन तो रंता हेड को खाती है, नरमी को नहीं खाती हो। भूख लगता है तो सब चबा जाती है, वो तो अब एक अलग बात है। भूख लगेगी तो भूख लगता है तो हम लोग कई पेड़ लगाए, इंसान को खा जाता है। रौंद जाएगी तो भी तो खराब हो जाएगा ना। नहीं खाते ये कहीं पे एयर क्रैश हुआ था ना वहाँ पे, बहुत दिन तक कुछ मिला नहीं। वहाँ अंदर भी कुछ खाली है ना, उस तरफ लगा सकते हैं किनारे पे, नहीं वहाँ पे अलग। पीछे हरसिंगार लगाए थे देख लिया जाए। और पिछली बार हमने यहाँ हरसिंगार लगाया था, देखिए अच्छा चल रहा है हरसिंगार। ओए हरसिंगार अच्छा जा रहा है हमारा, लगाया था ना हरसिंगार। हाँ मोर बोलने लगे। ये अमलतास का पेड़ है, पत्तियां खूब बारिश में नहा रही हैं, आप बूंदे देख सकते हो। और एक कदम हमारे लगे थे, अब इस पर ट्री गार्ड लगा रहे हैं हम लोग, ऊपर से गाय तोड़। ये सेमल है और ये बच्चिया, गाय का दर्शन हो गया। डर मत डर मत, ओ देखिए भांग नहीं खाती है गाय। भांग खाएगी तो नशे में, भांग भांग लगाना चाहिए था यहाँ किनारे किनारे, कितना भांग हरा है। इतनी गर्मी पड़ी थी देखो भांग, जनता यहीं आ गई, ये भांग इतना पड़ा है ना इधर, भांग भांग तो पड़ा है यहाँ पे। अरे तो ये वाले भांग नहीं, इधर नहीं लग पा रहा, इधर नहीं। ले चलो पाल लो इसको, अच्छी गाय है, काली गाय है बहुत अच्छी। खेल रही है, खिला दो कुछ अच्छा चीज। और हमारी गौ माता है, कुछ हमारे पेड़ों को खा जाती है लेकिन कोई बात नहीं, पेट भरना चाहिए किसी का। क्योंकि जीव है, इनके नेचर है, हमें बचा के ट्री गार्ड लगाना चाहिए। बहुत घना जंगल, यमुना किनारे आप आए तो घूमने आए, अभी थोड़े फिर दर्शन किया जाएगा अंदर जाके। पिछली बार काफ़ी हमने आप लोग को ये यमुना के जंगल दिखाए थे, और ये शायद 4 साल पहले क्या नाम है सांसद उनका, उनके द्वारा रोपा गया था। उधर नहीं हो रहा है क्या? अरे इधर वो है ना, थोड़ा थोड़ा पत्थर है ना, वो निकालो, खुद डाल ही देना उससे। देखो कितने पेड़ निकले हैं, आदमी पेड़ ढूंढता है खरीदता है, सेमल जमा हुआ है, सब सफाई होगा अभी छठ पे, सब साफ कर देंगे पेड़ों को। ये देखो नीम जमा हुआ है, पपीता भी जमा हुआ है, पपीता खा के फेंका अभी डेंगू में, सरकार जागी नहीं हुई है, है? एक कीकर लगा ये तो बेकार है। नीम तो पता चलेगा ना। तो आप लोग नर्सरी ना जाएं, इस समय जंगलों में घूमिए, आपको पेड़ मिल जाएंगे और गमले में आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था सहजन का ड्रम स्टिक का, बहुत फायदेमंद करता है, उसका पत्ते चबाइए और जिम कीजिए 4 और दौड़िए, पूरी एनर्जी मिलती रहेगी आपको। तो पत्ते की तरह भी यूज़ करना।
हाँ सावन शहतूत का। बस थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा इधर तो हरा है, उधर ही करना चाहिए था सही। इधर तो जंगल है इतना बड़ा, तोते की आवाज आ रही है, देखो बोल रहा है तोता है। कहाँ भाई, आ जाओ बाहर दर्शन दिखा दो। और ये आपके फ्लैट अपार्टमेंट में चिड़ियों की आवाज नहीं आएगी, जंगलों में आएगी। अभी आई थी, उधर गया था ना मैं, बुला रहा था कि आ जाओ फिर एक बार। ये जंगली जलेबी देखिए, जंगली जलेबी बहुत अच्छा पेड़ है। और ये आशीष जी हमारे हरा पहन के मोर की आवाज निकाल रहे हैं, मोर बन गया आज बारिश में। हरे रंग हो गए। हाँ मोर दादा किसने देखा, वो लेकर आए ट्री गार्ड। ये भी आ गया भाई, क्या हो रहा है, आ जाओ भगा देना पेड़ पे, गाय खाने आए तो दो रोटी देके इसको समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मुर्गे भी हैं, बतख दूंगा मैं इनको, बोलूंगा खाना मत भाई बतख, मुझे बतख मिल रहा है, कहूँगा पाल लो बतख यहाँ। और जब बतख घूमेंगे यमुना जी में या इधर, यमुना जी में तो गंदा पानी हो जाएगा। तो रेसी को भी टैग मार देता हूँ, जैसे फेस आता है किसी का टैग हो जाता है। और सुकेत जी कहाँ हो, बीमार हो गए क्या? निकाल ले। सर्दी जुकाम हो गया, ये निकाल दो। वैसे ये ना बहुत जरूरी है। हाँ ये अकन को है, ऐसे निकाल दो। आग का है ये, आग का पौधा। चलो लग रहा है, जड़ से मत निकालो भैया, फिर हो जाएगा कुछ नहीं। पेड़ तो ये तो उधर लगा देते हैं कहीं और, यहाँ से ना जड़ के साथ निकाल दीजिए, उधर लगा देता हूँ। और देखिए गांव में आग का इसको झाड़ी काट कूट के लोग फेंक देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की कमी नहीं, लेकिन शहरों में आज आग की खेती हो रही है। हमारे मोहित रेलन जी को इसका जंगल में होना बहुत, ये भी दूध वाला पौधा है, बॉटनी सिखाई जा रही है। तब तो इसे गाय भैंस नहीं खाती है, ये बहुत अंदर तक है इसकी। और ये आजकल गायब हो गए, खराब ही हो गए। 5000 पेड़ जड़ से, इसलिए निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, आ जाएगा ना फिर से, निकाल दीजिए। 5000 पेड़ का टारगेट देके पूरे अगस्त गायब हो गए, अभी पूरा इनको एक दिन में पूरे अगस्त गायब हो गए, पूरे जुलाई, आधा अगस्त निकल गया, पूरा जुलाई निकल गया। 7 जुलाई के बाद दर्शन नहीं दिए होते, पिछले हफ्ते भी यहाँ पे थे, उससे पिछले हफ्ते भी वहाँ पौधे लगा रहे थे पिछले। अच्छा शाम को गूलर भी जम रहा है वहाँ पे, किनारे काट दिया है, फिर दोबारा निकल रहा है। हाँ अरंडी इस समय बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, सबसे अच्छा तो ऑक्सीजन वही देता है, सबसे स्पीड से बढ़ने वाला। उसको छेद करना पड़ेगा, मिट्टी हल्की हो गई ना भैया, ज्यादा एनर्जी है तो लगाओ, क्या दिक्कत है। अरे हो जाते हैं पत्थर में, आराम से पेड़ हो जाएंगे, पत्थर में हो जाएंगे, पत्थर मिट्टी में, सारे इसी में लगा दो। वो वाली नहीं है, टाइल्स वाला पत्थर नहीं है, पहाड़ों वाली पत्थर है। और देखिए जया जी हमारी एक्टिव, सारे मतलब हमारे धुरंधर 5 पांडव, कोई भीम है, कोई अर्जुन है, कोई नकुल है, कोई सहदेव है, कोई युधिष्ठिर है, सारे एक्सपर्ट है। हाँ और ये आशीष जी की राखी के दिन राजू ने फोन किया, कहीं आज आशीष जी हमारे साथ रहेंगे। रोज आप लोग ले जाते अपने साथ ऑफिस जाना, पूरा बीइंग है देखिए ना। अरे तो रिजाइन दे दियो आप, कौन से ऑफिस जाना है, अरे वो कपड़ा बदल के आए हैं। और देखिए हमारे सबसे बड़े गगनदीप जी रिजाइन दे दिया इन्होंने नेचर के लिए, होम शॉपिंग में काम कर रहे थे, लेकिन कहा कि हमें नेचर को प्यार करने के लिए टाइम नहीं दे रही कंपनी, और कंपनी से रिजाइन दे दिया। अभी हमारे साथ वीडियो बनाएंगे और फिल्म बनाएंगे, बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं, फोटो और वीडियो बनाते हैं, सारे एक्सपर्ट है। मोहित जी की खासियत है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, पता ना क्या खाते हैं, सेरो लेके या बोरबीटा पीते हैं, एक दिन में 4 जगह पहुंच जाते हैं। त्रेसी हमारी ये भी एनर्जीवान, ऊर्जावान, और आशीष जी तो हमारे सर्वगुण संपन्न है। नहीं नहीं जब तक ऊर्जा है, जब तक हिम्मत है,
जया जी को रामप्रस्थ में एकदम मशहूर है, नाम लीजिए जया। अरे जया जी, जया जी हमारी सेलिब्रिटी हैं पूरे गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की, कभी कभी न्यूज़ चैनलों पे डिबेट भी कर लेती हैं। तो मैंने कई बार देखा सर डिबेट पे, देखा पहली बार तो मैंने कहा लगा आपको पहली बार कहीं देखा हूँ, कहीं पहले भी कहीं। अब हमें क्या मालूम था न्यूज़ पे बैठ के डिबेट देती कभी हमारे साथ हो जाएंगे। पांडे जी बेल का हिसाब लेने लगेंगे। और हमारे गजनी सुखवीर जी एकदम बॉडी बिल्डर और पत्थर खोद देते हैं हाथों से। एक जगह हम लोग गए थे, हाँ जेसीबी मशीन एक जगह गए थे, बहुत पत्थर था, इन्होंने पूरा गड्ढा खोद खोद हमें मौका नहीं दिया। हम बचते रहे, थोड़ा कामचोर हैं हम, अपनी भी बताएं मेहनत करने से डरते हैं। इधर सेमल हो रहा है पीछे, और देखिए कितना अच्छा ग्रीन एरिया हो गया, ये लोगों की मेहनत है, कोई यहाँ कितना सुंदर खेती कर दी इन लोगों ने दूर तक। और वो अनिल जी जा रहे हैं छतरी में, वो सारे मतलब पूरे हमारे फंड इकट्ठा करने में मदद करते हैं, पूरा पैसे इकट्ठा, कोई 5,000 तो 15,000 माँ यमुना के लिए दिया। तो सब है, कोई भी यज्ञ पूजा होती है, कोई युद्ध होता है, तो सबका सब अपना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट होता है। और मेरा काम है बोलते रहना अनलिमिटेड एक डेढ़ घंटा, कि जो काम कर रहे हैं उनको थकान ना हो। मोहित जी कैसे होगा ये 5,000? 1,000 हो गया हमारे पास अब, ये तो हम आज वो शीट लेकर आए, शीट ले लो। हाँ 2,000 तो बाढ़ हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2,000 ये प्लांट लगा हुआ है लेकिन हम जोड़ नहीं सकते हैं, हमें बड़े पेड़ जोड़ना है। नहीं नहीं ये 2,000 ये नहीं काउंट होगा भाई, सारे पेड़ पौधे एक समान है। ज़्यादा लेट हो गया मैंने, हाँ निकलो। इंटरव्यू है कि ऐसे कुछ काम है? नहीं मैं एक्चुअली फ्रीलांस काम पकड़ रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब कब जब काम रात को खत्म होना था, लेकिन वो साला कुछ बॉम्बे से फाइल लेनी आई, उस चक्कर में फिर एक ये बनाएंगे वीडियो हमारा। हाँ, ठीक है मोहित जी। हाँ वो जेके टायर का है, मैं एक्चुअली उसमें मीडिया इंडस्ट्री में हूँ ना, फिल्म मेकिंग में एडिटिंग में। मोहित जी है, में पे और सारे घर से गाली सुन सुन के आके काम कर रहे हैं, और बताते नहीं घर पे हम गाली सुने। घर वाले कहते हैं कहाँ पागल हो, हाँ सो रहे हैं, तब बढ़िया है। हमें पहले एक कंपनी बनाएंगे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, और आजकल बना के डालते रहेंगे। सब बहनें हमारी देख रही हैं यूट्यूब पे, खानदान की जितनी हमारी बहनें हैं, और कह रही हैं गुड भाई जॉब अच्छा है। पहले शुरू में गाली मिला, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, डाका नहीं डाल रहे हैं। तो कोई कुछ बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुर्गे कहाँ छुपा दिए, घूमने दो थोड़ा, सावन खत्म हो गया इसलिए छुपा दिए। खाएंगे नहीं हम मुर्गे, बेचारे टहल रहे थे बस यही है। कहाँ गए मुर्गे, मुर्गे मुर्गी? अरे खाने के लिए थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, बेचारे अच्छे लग रहे थे, घूम रहे थे। मोहित जी चलिए एक दिन मेरे साथ बतख लाने चलना है, बतख लाने, डक, यहाँ पाला जाएगा, अपने घूमेंगे अच्छा लगेगा जंगलों में। हाँ थोड़ा सौंदर्य हो जाएगा, कई कलर के मिल रहे हैं डक अभी यहाँ का, वो अभी हिसाब किताब उतना नहीं है कि उसके फिर हम तो बिना बात के वो मर जाएगा हमारा। अरे नहीं ये मुर्गे पाले खान जी को देंगे, बस खाना मत खान साहब ये कह के जाना खान साहब। अंडा अरे ये बारिश है, थोड़ा क्वाक क्वाक पकड़ेंगे अच्छा लगेगा, थोड़ा टहलेंगे थोड़े सौंदर्य होगा। आशीष सर मेरा बैग निकलवा दो, मैं एक्चुअली जाना चाह रहा हूँ इधर, ऐसे भी बस हो गया, चल ही रहे ना बस, खेती हो गई और भी है खत्म हो गया। वाह वाह मेरे योद्धाओं, आज तो तुमने महान काम कर दिया, देखिए 3 दिन से हो रहा था नहीं हुआ था, आज आए सारा खत्म हो गया।
और बढ़िया है, हमारे सबसे अच्छे अनिल जी हैं, इन्हीं के योगदान से सारा काम हो रहा है। हम एक रुपया फंड इकट्ठा नहीं कर पाए लेकिन इन्होंने लाखों फंड इकट्ठा करके दे दिया। और सर कुछ मैसेज दीजिए, हमारे सबसे छुपे हुए हीरो यही हैं, सामने नहीं आते कैमरे के ना फोटो के, बैकबोन है। हाँ ये बैकबोन है इनके, बड़े अच्छे विचार के और करोड़पति इंसान है और ये डाउन टू अर्थ है और कभी नहीं लगता। बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस मिशन और हम इन्हीं के कारण यमुना जी से आते ही पास है, ये देवता तुल्य हमारे और ये अच्छा काम कर रहे हैं और माँ यमुना को सजा रहे हैं और जन्माष्टमी पे हम लोग यही मटकी फोड़ा जाएगा और यही मनाया जाएगा। कितना किस दिन पड़ रहा है जन्माष्टमी? हाँ कोई घर तो नहीं रुके? अक्टूबर से? नहीं नहीं अगस्त, ये अभी पड़ रहा है। आज कितना दिन है? 24 अगस्त। बढ़िया, कुछ प्रोग्राम करते हैं जन्माष्टमी? प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा और पेड़ लगा के बृहद वृक्षारोपण करते हैं। और जन्माष्टमी तो रात में होती है, सर का एक सैलून भी खोल रखा है 5 स्टार, जहाँ बैठने पे 500 रुपये लगते हैं। प्रीत विहार में आइए इनके सैलून में और अपने हेयर डिजाइन करवाइए। और काफ़ी अच्छे हैं, बहुत दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं और यमुना माँ को इन्होंने सजा दिया और पुण्य का काम। वो वाला फावड़ा दो ना हमें, उधर गड्ढे तो करवा ले। कितना सर खर्चा है पूरे बांस का? 55,000 एक बारी में और सेकंड टाइम में 60,000 तो लग गया। 1,05,000 का लगभग हो गया। तो अगर 2 साल बांस ख़राब होता है, इस पर हम लोग बेल लगाएंगे फूलों का कि ये फिर 2-3 साल बाद फिर एक बार कमर कसा जाएगा, 1,05,000 इकट्ठा किया जाएगा। वैसे तो पॉल इसीलिए करवा रहे हैं, हैज उसकी जगह ले लेगा, हैज हो जाएगा लेकिन करना तब तक वो जगह इतनी साफ हो जाएगी लोग खुद ही गंदा नहीं करेंगे उससे, हो ना। वो बेल चढ़ने के लिए भी चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए तो इस पर चढ़ता रहेगा। अच्छा है, क्या पता हमारे और लोग जुड़ जाए तो 1,05,000 बहुत छोटा अमाउंट लगे। और आप माँ यमुना के लिए हम लोग का यही अनुरोध है कि जो होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये आप इच्छा से हमारा, क्या नाम है एन जी ओ का आपका? भारतीयम एन जी ओ का नाम है सर का और के जे राय सर इनके अध्यक्ष हैं। आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको और यमुना माँ को फूल वूल ला के आप भी आइए, अपने हाथों पेड़ पौधे लगाइए और इस जंगल को हर तरह का पेड़ फल हम लगाएं इसमें कि जो भी पक्षी रहे, कोई अमरूद खाए, कभी कटहल खाए, कभी आम खाए, कभी इमली खाए। और अरे तो इसीलिए बीमार पड़ रहा ना, मिट्टी छोड़ दिया हमने, जब से मैं मिट्टी छूने लगा हूँ तब से बीमारी मेरी कम हो गई है, पहले बहुत बीमार रहता था मैं। तो ये नेचुरल पेड़ लाया हो ना, पेड़ मैंने कहा चले तो पेड़ लगना चाहिए, जितने यहाँ तो टाइल्स निकालनी पड़ेगी बस। अच्छा जगह है ना, एक बार चलिए डीडीए में बात करके, जब डीडीए के पास ट्री गार्ड है तो हमें भी थोड़ा ट्री गार्ड दे, ट्री गार्ड मिल जाए तो पेड़ ही पेड़ लगा दिया जाए। और फिर पेड़ लेके आना चाहिए था 10-15 हैं, अच्छा मौसम है। नहीं यही बरसात है, जो मौका एक महीना है ना, उसके बाद जाड़ों में फिर जाड़े वाला पेड़ लगेगा। देख लो अपना बना लो भाई, एक इधर और एक इधर। अभी वो सुखबीर आ रहा है, वो अच्छा मतलब गड्ढा गाड़ी उड़ी कोई नहीं चढ़ाएगा, थोड़ा दूर दूर कर ले। हाँ ट्री गार्ड लगेगा तो उसके एकदम जाल के पास कर दीजिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम होता है ना तो लोग गाड़ी लेके यहाँ करते हैं, यहाँ साइड में यहाँ वहाँ गाड़ी उड़ी, क्या पता है यहाँ कोई प्रोग्राम होता है ना। हाँ वही कर दो, चल भाई यहाँ फावड़ा कहाँ तो ले। सुश्री उमा भारती ने 17 जून 2014 को और ये मोदी जी का जब कार्यक्रम मतलब उनका स्टार्ट हुआ तब लगे थे पेड़,
और 5-6 साल में देख सकते हैं पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए। उनकी बात यहाँ कर ले, यहाँ पत्थर है। नहीं ऐसा ना कि रोड कहीं किसी को बड़ी गाड़ी जाना पड़े ट्रक का तो दिक्कत हो, इसलिए रोड यही कर लेते हैं। अरे मिलके जंगलों में आपस में रहते, जंगल में देखो ना 100-100 पेड़। ये भागेगा ना, ये हाँ। फैलेगा, वो फैलेगा। भागेगा जंगल में, देखिए आप कितने घने पेड़ हैं। तो कहाँ इनको पेड़ अलग है, ये पेड़ चलो थोड़ी जगह लगा दो, वो पेड़ अलग, यहाँ हो जाएगा गड्ढा, यहाँ मिट्टी होगा ना नीचे, वो पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है। नहीं तो हम इसमें लगा देते हैं गेट के एंट्री में, उस जैसे ये दीवार है ना पूरी, ये वहाँ से इधर तो मतलब पार्किंग हो जाएगी, इधर कोई नहीं जाता है। बाद में करेंगे छत के बाद, छत पे पहले देखते हैं इस बात को। दो ही तो पगे हैं, तीन है, तीसरा देख लेने कहाँ लगा। एक नीम है, एक गुलमोहर, और गुलमोहर यहाँ लगा लो, और एक पिलखन देखो कहाँ लगा, पिलखन अंदर। अरे इधर ये वाली है ना, एक टाइल्स आराम से निकल जाएगी, दो लग जाएगी साइड कोने पे जाके लगाएंगे। हाँ क्या पता पार्किंग के लिए छोड़ा हो जगह इन्होंने। ना फ्रंट पे भी जगह है, ट्री गार्ड लगा, उसी ट्री गार्ड में लगा देते हैं, छोटे पेड़ क्या पता लगा। वहाँ तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अच्छा लगाएंगे, अच्छा तो छोटे छोटे इतने पेड़ लगा रहा है ट्री गार्ड में, अगर जगह है क्योंकि अच्छा हो। देख लेते कोई अगर मर गया होगा तो उसको कतरने, इस बार मीडिया आएगी तो हमारे ही पेड़ों को दिखाएगी, छठ पे एकदम पूरी मीडिया यहाँ इकट्ठा होती है, सुंदरीकरण दिखाएगी, तब तक धमाल हो जाएगा। और मेट्रो दिख रही है आपको, मेट्रो से कभी आप निकलो तो हमारे पेड़ों को देखो, अब हमारे पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि मेट्रो से दिखेंगे। हाँ अच्छा लग रहा है, चंपा भी मिल रहा है, प्लूमेरिया खुशबू आएगा अंदर घुसे का, तो 100-100 में वो से तो 200-250 बेचता है, तो कहा आप उठा लो और कम कर लूँगा मैं, तो उसके पास पड़े हैं 50-100 पेड़ पड़े हुए हैं, उठवा के उसी में लगवाया, अंदर खुशबू आएगी उसी जाली में ही लगवाया जाएगा। एक बार और करते पेड़ों की व्यवस्था, टाइम निकल जाने के बाद देखते हैं पता चले ज़्यादा अंदर पानी ना आ जाए। नहीं नहीं भोगन मिले का भी आइडिया अच्छा है तुम्हारा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कितना भी धूप मेंटेन नहीं चाहिए होता, और कई तरह के 7 कलर के होते हैं, पीला लगा लो, लाल लगा लो, व्हाइट लगा लो, भी आ रहा है आजकल ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी है, खान मार्केट में 7-7 हज़ार। हाँ वो बड़े बड़े नहीं, हम 30-35 में 40-50 में हम लोग लाते हैं, कलर तो नहीं मालूम है, 7-8 हज़ार बोल रहे हैं एक पौधा खान मार्केट में, तो बढ़िया खिला हुआ है 50-100 का आ जाएगा, क्राफ्टिंग उसकी आप देखोगे। हाँ हाँ पूरा पेड़ इतनी मोटे तने उसकी हो, कलर उसका डिफरेंट है ना, तीन को मिक्स करके बनाया उन्होंने। हाँ आप भी बना सकते हो, काट काट जोड़ के अपना कर सकते हो उस चीज़ को, लोग तो लाख लाख रुपये का पेड़ ला के अपार्टमेंट में लगाए हुए हैं। बहुत तेज अगले साल पेड़ बन जाएगा ये नीम, नीम बहुत तेज ग्रोथ करता है, नीम तेज भागता है, गोल्ड मोहर तेज भागता है, पीपल तेज भागता है। नीम का फायदा है ना कि अपने नीबोरी गिरा के और पेड़ बना लेता है, अब देखिए नीम गिरा हुआ है कितने पेड़ बन गए हैं, तो ऐसे पेड़ लगाए जाए हम लोग की गिरेगा उसका वो जम जा। हमने दो ही टीका निकाला है, सब कलरफुल बरसात में एकदम मस्त लग रहे हो, लाल पीले हरे गुलाबी सारे सतरंगी कलर हैं, हरा मोहित जी, नीला ब्लू राजीव, आप भी ब्लू, ग्रीन हमारे आशीष जी, और वेलो वाह 7 रंग पहन के आए हो सारे, ब्लैक भी है, ब्लैक आज 7 कलर पहन के लोग आए, अलग अलग 7 कलर, और ये हम आर्मी आर्मी ड्रेस पहन के आए हुए हैं सबसे बढ़िया। शहीद नहीं होना है आर्मी ड्रेस पहन के जाके बॉर्डर पे, नेचर पे काम करना भी, पेड़ लगाना भी एक देशभक्ति वाला काम है। आपको डॉक्टर मना किया है ना, नहीं कभी कभी गलवा दिखा देते बेचारे जोश में आ जाते हैं, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना डॉक्टर, ठीक है बुड्ढा होगा तेरे बाप, डॉक्टर मना किया है, मसाज करवाते हैं जाके और यहाँ के फिजियोथेरेपी से कोई आ रहा है क्या, देर सवेर मैसेज लेट सामने आ जाइए, यहाँ से वहाँ पूरा बाइकर बैठे रहते हैं। चलिए उन्हीं के लिए हम लोग पीने के लिए छाँव बना रहे हैं उनको आराम से, ये भी पुण्य का काम है।
सावन फुहार वाली बड़ा ड्राइव करते हो, बड़ा घूमते हो आप, हैं ग्रेटर कैलाश। आइए सर, हाँ मैं ग्रेटर कैलाश ग्रेटर नोएडा। चलो ये हाथ लगाओ। और ये हमारा नीम का पहला पेड़ लग रहा है आज। पेड़ भी हम लोग आए बाहर तो पेड़ भी, जब जब हम यमुना किनारे आते हैं कुछ पेड़ लगाते हैं। जब नीचे में हवा रुक जाएगा ना तो फिर सूख जाएगा, दिक्कत ये हो जाती है। और ये नीम लग गया हमारे। अनिल जी, जया जी, तरसी, आशीष जी और मोहित जी, और आइए छठ में जलवा देखिए यमुना घाट का। काफी बदलाव आ गया है। आप टी गार्ड लगाइए, मैं दूसरा गड्ढा करता हूँ पानी डालने के लिए। बनने दिए फन तो एक एक्सपर्ट ही रख देंगे जो फुल मेंटेन करता रहेगा। खान साहब तो मतलब एक्सपर्ट नहीं है, हाँ जो फूलों का भी हर सीजनल फूल लगाए, जैसे इस समय अभी कौन से फूल खिलते हैं वो लगाया जाए, जाड़े में दूसरे फूल आते हैं वो लगा दिया जाए। थोड़ा देख के ये वही ना टूट जाए, उसे लगा रहने दो। अरे लगा गड्ढे घुस जाएगा, अरे उसे गड्ढे में घुसा देना, रहने दो, इतना गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब आइए अगले बार, अगले साल नीम की छांव में बैठिए, यमुना माँ को निहारिए। देखिए गर्मी में हम आते थे बहुत, सर पे धूप लगता था, छुपने की जगह नहीं होती थी। ठोक दे ठोक। बस पकड़ लिया, पथरीली जमीन है, पकड़ लिया। आप इधर से मारो, आप पीछे हट जाओ।